चैप्टर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर टू में, चैप्टर टू क्या है हमारे सामने, चैप्टर टू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क जो डेवलप होता है उसके बारे में। जैसे इसमें सबसे पहले हम बीएच कर्व के बारे में जानेंगे, बीएच कर्व क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं इंपॉर्टेंट जो शुरू में बात करनी जरूरी है, जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड बीएच कर्व पता चलेगा हमें, ठीक है। फिर हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बीएच कर्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेवलप्ड टॉर्क क्या होता है, ये कैसे आते हैं, इनका इक्वेशंस क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं कि ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है इसमें ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी जो है क्या बताता है इसको समझेंगे। आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड इट टेल्स अस अबाउट how much effective magnetization occurs in magnetic material। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें बताएगा कि कितना इफेक्टिव मैग्नेटाइजेशन आ रहा है। ससेप्टिबिलिटी को हम किससे रिनोट करते हैं, ससेप्टिबिलिटी को हम ζm से रिनोट करते हैं। ζm इज इक्वल्स टू होता है μr-1, जहाँ पे ζm क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, और μr क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब जैसे ससेप्टिबिलिटी को अगर समझना है तो ससेप्टिबिलिटी को कैसे समझ सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इस पे जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दे रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, किस चीज़ का मैग्नेटाइजेशन। जैसे क्लास में कई बच्चे हैं, मैं बच्चों से बोलूं कि बच्चों सब अपना हाथ उठाओ, तो इसका मतलब अगर सारे बच्चे हाथ उठा दिए तो मेरा असर क्लास पे क्या है, क्लास के बच्चों पे ज़्यादा है। और अगर मैं बोलूं बच्चों हाथ उठाओ तो उसमें से आधे बच्चे हाथ उठाते हैं आधे नहीं उठाते, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा क्लास पे असर कम है, मतलब मेरा ससेप्टिबिलिटी क्या हुआ, कम हुआ क्लास पे, ठीक है। और अगर मैं बोलूं सारे बच्चों हाथ उठाओ और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हाथ नीचे कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा क्लास पे असर अपोजिट में है। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब हुआ कि जैसे मैं मैग्नेट था और बच्चे एटम्स थे, किसी मटेरियल, किसी मैग्नेटिक मटेरियल के एटम थे, मतलब जब तुम मैग्नेटिक फील्ड लगाए, मतलब मेरा असर, ठीक है, बच्चों पे कैसा कर पड़ रहा है, मतलब मैग्नेट का असर एटम्स पे कैसा पड़ रहा है, एटम्स के पोलराइजेशन पे मैग्नेट का असर कैसा पड़ रहा है। अब ससेप्टिबिलिटी उस चीज़ का पॉजिटिव होगा जिसमें एटम्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही कर रहे हैं बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव हुआ। मैं जो बोल रहा हूँ उसके अपोजिट काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी क्या हुआ, मेरा निगेटिव हुआ। तो यहाँ पे अगर हम ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात करें तो इफ एटम्स गेट ओरिएंटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देन ζm विल बी निगेटिव, इट मीन्स लेस देन जीरो। और दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है इफ एटम्स गेट्स ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देन ζm विल बी पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ζm क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब इससे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मटेरियल किस तरह से है। जैसे सबसे पहला मटेरियल हम उठाते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, अगर हम इसमें पहला मटेरियल उठाएं डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो हमारे एटम्स होंगे
वो क्या होते हैं, अनपोलराइज्ड रहते हैं, मतलब उनके मन में कोई पोलराइजेशन नहीं रहता, कि एटम्स का पोलराइजेशन उसमें नहीं किया रहता, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें अप्लाई कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस टाइम पे जीरो है, तो जैसे ही डायमैग्नेटिक मटेरियल में तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो जो सारे एटम्स हैं वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। अगर सारे एटम्स अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका जाइयम क्या हो जाएगा, इसका जाइयम निगेटिव हो जाएगा। जाइयम निगेटिव का मतलब लेस देन जीरो हो गया, तो म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम प्रीवियस केस देखे थे स्लाइड पे, जाइयम इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस वन है, तो म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल्स टू वन प्लस जाइयम हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जाइयम इज इक्वल्स टू निगेटिव है, तो म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन प्लस जाइयम के अकॉर्डिंग म्यू आर क्या लेस देन वन हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो उसका रिलेटिव परमिबिलिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, वन से कम होता है। वन किसका होता है, वन हमेशा में स्टैंडर्ड मान के चले, वन किसका होगा, एयर का होगा, तो एयर से भी कम होता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड देखते हैं हम, सेकेंड हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करोगे, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो उस टाइम पे रैंडम पोजीशन पे होंगे सारे एटम्स, और अगर एटम्स रैंडम पोजीशन पे हैं, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड तुम अप्लाई कर दोगे किसी भी डायरेक्शन में, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, तो मटेरियल के कुछ एटम्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, और बाकी एटम्स कहाँ रहते हैं, बाकी एटम्स अपने रैंडम पोजीशन पे रहते हैं। इससे क्या बता सकते हैं कि क्लास में कुछ बच्चे टीचर का बात मान रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव तो होगा, इसका ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर जाइयम पॉजिटिव है और ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन प्लस जाइयम के अकॉर्डिंग म्यू आर ग्रेटर देन वन हो जाएगा। प्रीवियस केस में म्यू आर क्या था, लेस देन वन था, यहाँ पे क्या हो गया, म्यू आर ग्रेटर देन वन। तो जितने भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल होंगे उनका रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। चलो ऐसे ही तीसरा हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए रहेंगे, उस टाइम पे जो एटम्स होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। अगर एटम्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हो, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, उस टाइम पे सारे के सारे एटम्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एटम्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे। अगर सारे एटम्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जा रहे हैं, इसका मतलब जाइयम क्या है, पॉजिटिव है, और जाइयम जीरो से बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सारे बच्चे क्लब बात मान रहे हैं क्लास में, इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर का असर क्लास में ज्यादा है, मतलब मैग्नेट का असर मैग्नेटिक मटेरियल पे क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब इसका जाइयम क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन जीरो होगा। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिलेटिव परमिबिलिटी फिर क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव परमिबिलिटी वन प्लस जाइयम होता है, मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी जो होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होंगे उनका रिलेटिव परमिबिलिटी हमेशा जीरो से बहुत ज़्यादा, या फिर बोल दो हमेशा वन से क्या होगा, उनका रिलेटिव परमिबिलिटी हमेशा वन से बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया कैटेगराइज कि कैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इनके कुछ एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं। तो इनका पहला एग्जांपल है कॉपर, फिर उसके बाद सिल्वर, फिर गोल्ड, मरकरी, एयर, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है, ये सब हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं। फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का अगर कुछ एग्जांपल देखा जाए, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल होते हैं जैसे ऑक्सीजन, प्लैटिनम, एल्युमिनियम, ये
ये सब क्या है, ये सब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टी है, सॉरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अगर एग्जांपल देखा जाए तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कुछ तो आप पहले से जानते होंगे, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या है, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देख रहे होंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है, एक तरह का पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, और एयर क्या है, एयर भी डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर में तो ऑक्सीजन होता है, इसका मतलब जो भी डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका लगभग रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना चाहें कि प्रैक्टिकली पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर इज इक्वल्स टू 1, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि एयर के बराबर होगा। तो प्रैक्टिकली डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल एयर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम जब मैग्नेटाइजेशन के बारे में जान गए तो अब हम बता सकते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है या फिर हिस्टेरेसिस फेनोमेना क्या होता है। तो चलो इसके बाद हम देखते हैं कि हिस्टेरेसिस क्या है। तो हिस्टेरेसिस के बारे में जानने के लिए कि हिस्टेरेसिस क्या है और हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, तो ये हम सीखेंगे। अब हम यहाँ पे देखे थे कि जो भी मटेरियल थे उसमें मैग्नेटाइजेशन जब हो रहा था तो उस टाइम पे एटम्स जो थे वो रैंडमली ओरिएंटेड थे स्टार्टिंग में, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाए थे, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम लगाए तो उसके बाद एटम्स क्या हो गए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। इसका मतलब जब एटम्स एक दूसरे का एक जब एटम्स मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद जब एटम्स ओरिएंट हुए तो उस टाइम पे एटम्स से एटम्स टकराव हुआ होगा, इन एटम्स के बीच में कोलिजन हुआ होगा। अगर एटम्स के बीच में कोलिजन हुआ है तो उससे क्या होगा, कोलिजन से हमेशा हीट पैदा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, जिसी को हम क्या बोलते हैं, उसी हीट लॉस को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये एटम इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ऐसे ऐसे टकराव होगा सारे एटम्स में, और उससे उस कोलिजन से क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा, जिसको ही हम क्या बोलेंगे, हिस्टेरेसिस लॉस बोलेंगे। तो ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन द कोलिजन बिटवीन आयरन एटम टू आयरन एटम इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस एंड द हीट produced due to collision is called as hysteresis loss, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है उसको पीएच से डिनोट करते हैं, पीएच इज प्रोपोर्शनल टू होता है एफ इंटू बी एम की पावर एन, जहां पे F क्या है, Bm क्या है, N क्या है, तो यहाँ पे pH जो होगा वो हिस्टेरेसिस लॉस है। pH को हम क्या किससे दिखाएंगे, pH ही हमारा क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस है, ठीक है। pH को हम हिस्टेरेसिस लॉस से डिनोट करते हैं, किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे F क्या है, F है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, F क्या है, सप्लाइड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे Bm क्या है, यहाँ पे Bm है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। और यहाँ पे N क्या है, N है स्टिनमेट्ज़ कांस्टेंट,
स्टिनमेट्स कांस्टेंट क्या है, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे आया जिन्होंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब ऑब्जर्व किया तो हर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हिस्टेरेसिस लॉस अलग अलग मिला। क्यों? क्योंकि कोलिजन भी तो अलग अलग होगा, जैसे जैसे एटम का टेंडेंसी होगा मुड़ने का उसी के हिसाब से कोलिजन भी होगा और उसी के हिसाब से हीट भी प्रोड्यूस होगा, इसीलिए यहाँ पे एक बीएम की पावर एन आया हुआ है। क्यों? क्योंकि हर एक मैग्नेटिक मटेरियल का अलग अलग कोलिजन होगा, ठीक है, मतलब अलग अलग लॉस होगा। तो यहाँ पे जो बीएम होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो हम जानते हैं वी बाई एफ पे डिपेंड करता है। तो बीएम किस पे डिपेंड करता है, वी बाई एफ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में पता चल गया हमें। चलो अब हिस्टेरेसिस लॉस के बाद हम दूसरा बात करेंगे एडी करंट लॉस, कि एडी करंट लॉस क्या होता है और एडी करंट क्या होता है। तो एडी करंट के बारे में पता चल जाएगा, तो एडी करंट लॉस के भी बारे में पता चल जाएगा। अब एडी करंट क्या है, जैसे मान लो कोई भी हमारे पास कोर है, ये मैग्नेटिक कोर है और इसके थ्रू क्या पास हो रहा है, इसके थ्रू एक फ्लक्स पास हो रहा है। अगर इसके थ्रू फ्लक्स पास हो रहा है तो फ्लक्स, फिर से राइट हैंड रूल या फिर कर्ल रूल या फिर स्क्रू रूल लगा के देखते हैं, अगर एक स्ट्रेट फ्लक्स है तो क्या उसके चारों तरफ करंट होगा कि नहीं होगा, मैग्नेटिक मटेरियल में होगा। मतलब स्ट्रेट फ्लक्स का डायरेक्शन कौन बताएगा, थंब बता रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, क्या उसके चारों तरफ करंट होगा। तो मतलब यहां पे इस फ्लक्स के कारण यहां पे क्या करंट का डायरेक्शन होगा कोई मटेरियल में, ठीक है, मतलब इस फ्लक्स के कारण मटेरियल में करंट फैल जाएगा ऐसे। और ये करंट सर्कुलर क्यों होगा, एक तो हमें राइट हैंड रूल से पता चल रहा है, दूसरा इस तरह से पता करना चाहिए कि अगर फ्लक्स पास हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इस मटेरियल के एटम्स आसपास पोलराइज हो जाएंगे, तो इस प्लस से माइनस की तरफ क्या हो जाएगा, क्या करंट का फ्लो हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ में करंट का फ्लो अगर होगा तो वो क्या नेचर होना चाहिए उसका, सर्कुलर। मतलब पास पास वाले एटम्स मिलके क्या बना ले रहे हैं, दो पोलैरिटी, एक प्लस एक माइनस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, दो पास पास वाले एटम में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, तो क्या वहां करंट नहीं आएगा, करंट आ जाएगा। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, जिसका पाथ कैसा होगा, जिसका पाथ सर्कुलर होगा, ठीक है। मतलब यहां पे अगर एडी करंट के बारे में लिखना चाहे तो एडी करंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ करंट इन मटेरियल व्हेन ए फ्लक्स पासेस थ्रू दैट मटेरियल इज सर्कुलर इन नेचर इज कॉल्ड एज एडी करंट। एडी का मतलब क्या होता है, भंवरदार, ठीक है, मतलब भंवर के टाइप का करंट होता है। भंवर का मतलब क्या हुआ, सर्कुलर करंट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडी करंट। और इसी मटेरियल के रेजिस्टेंस के कारण अगर करंट आ गया है तो मटेरियल का रेजिस्टेंस अगर होगा तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, जिसको ही हम एडी करंट लॉस बोलेंगे। तो दूसरा इसमें, एंड ड्यू टू the resistance and due to the resistance of material produced heat is called as AD current loss, ठीक है। मतलब AD current loss को हम किससे denote करेंगे, P से। P is proportional to होता है F square into BM square into T square, जहाँ पे F क्या है supplied frequency, BM क्या है maximum flux density, और यहाँ पे T क्या है, thickness of
थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, ठीक क्या है, लेमिनेशन का थिकनेस है, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये एडी करंट, एडी करंट लॉस और क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर, यही तो हीट लॉस है, जो यहां पे हीट लॉस लिखे हुए हैं वो कौन सा है, आई स्क्वायर इंटू आर लॉस, यहां पे आई कौन सा करंट है, तो एडी करंट के कारण हो रहा है, जो एडी करंट का स्क्वायर इंटू आर, ये क्या होगा, एडी करंट लॉस, ठीक है। तो चलो अब इन दोनों को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हिस्टेरेसिस लॉस देखते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस क्या था, हिस्टेरेसिस लॉस हमारे पास था कि जो एटम से और एटम, आयरन एटम और आयरन एटम के बीच में कोलिजन हो रहा है उसी के कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वही हिस्टेरेसिस लॉस है। अब उसी अगर कोलिजन तुम कम कर दो, कोलिजन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हिस्टेरेसिस वाला फिनोमेना कम हो जाएगा। तो ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए क्या कम करेंगे, कोलिजन, कोलिजन कम कर देंगे तो हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाएगा। एडी करंट लॉस को कैसे कम करना है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए अगर एडी करंट को कम कर दो, एडी करंट को अगर हटा दो, तो उसका मतलब क्या हुआ, एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। तो एडी करंट लॉस कम करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट को ही कम कर देंगे, ठीक है। तो चलो, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस को हम कम करेंगे, ठीक है। तो एडी करंट लॉस को कम करने का तरीका क्या है, अभी हमने बोला एडी करंट लॉस को कम करने का तरीका है रिड्यूस रिड्यूस द एडी करंट, एडी करंट को कम करके। एडी करंट को कम कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहला तरीका है, एडी करंट को कम करने के लिए क्या यूज करेंगे, यूज थिन शीट्स विथ लेमिनेशन ऑफ ईच, सबका लेमिनेशन करके पतले पतले शीट को यूज करेंगे। जैसे यहां पे हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल था, जो कोर था हमारा, उस कोर में क्या हो रहा था, वो कोर मान लो इतना मोटा कोर था तो उसके थ्रू फ्लक्स पास हो रहा था, तो सारे मटेरियल में क्या हो रहा था, करंट फैला हुआ था। लेकिन अब क्या करेंगे, अगर उसी शीट, उसी मोटे कोर को हम पतले पतले शीट में काट दें और उनको लेमिनेट कर दें एक दूसरे से, तो क्या होगा, फ्लक्स के लिए एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके कारण प्रोड्यूस्ड करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम एडी करंट को कम कर सकते हैं, तो एडी करंट कम हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका हमारे पास है, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि सोचो अगर इसी में एडी करंट को ही तो कम करना है ना, तो इसका हम रेजिस्टिविटी बढ़ा दें। अब अगर इसका रेजिस्टिविटी, जैसे कोर हमेशा किसका बना होता है, कोर हमेशा स्टील का, स्टील क्या है, एक तरह का कंडक्टिव मटेरियल है, कोर हमेशा स्टील का बना होगा, तो स्टील क्या है, एक कंडक्टिव मटेरियल है। अब इसी स्टील में अगर तुम बालू मिला दो, जिसको क्या बोलते हैं, सिलिका, अगर बालू मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि बालू एक तरह का क्या है, इंसुलेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें 96, पहले 100% स्टील था, अब इसमें 96% स्टील और 4% हम बालू मिला दिए, तो उससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो एडी करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या वो कम हो जाएगा, और अगर एडी करंट कम हो गया तो क्या उसके कारण प्रोड्यूस्ड लॉस, मतलब एडी करंट लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एडी करंट को, लॉस को कम करने के लिए ये दो तरीके हैं, ठीक है, थीके? हमारे पास पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। ऐसे हिस्टेरेसिस लॉस को कम करना है, तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए दिक्कत क्या था, दिक्कत ये था कि जो एटम्स रैंडमली ओरिएंटेड थे वो क्या कर रहे थे, वो कोलिजन प्रोड्यूस कर रहे थे, कब, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए थे। लेकिन अगर अब इसमें एक CRGO प्रोसेस अप्लाई कर दो, CRGO के प्रोसेस क्या है, तो CRGO जो होता है उसको हम CRGO जो होता है उसको हम बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन
ओरिएंटेशन। तो ये एक तरह का क्या होता है, प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस क्या करेगा, सीआरजीओ अगर इस मटेरियल में अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो मटेरियल लिए हुए है उसको कोल्ड को ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद बेलन से जैसे रोटी बेलते हो उसी तरह से क्या करेंगे, उसी तरह से उसको हम रोलिंग करेंगे। रोलिंग किस डायरेक्शन में करेंगे, रोलिंग किसी भी डायरेक्शन में कर देंगे, जिस डायरेक्शन में रोलिंग करेंगे उसी डायरेक्शन में एटम्स जो एक एक दाना रहेगा उस मटेरियल का वो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अगर एक ही डायरेक्शन में पहले से ही मुड़ गया है सीआरजीओ प्रोसेस के कारण, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अभी क्या है, अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किए हैं, जैसे ही हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो सारे एटम्स क्या होंगे, एक साथ मुड़ेंगे। अगर सारे एटम्स एक साथ मुड़ रहे हैं तो अब कोलिजन होने के चांसेस क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, सीआरजीओ से मिनिमाइजेस द कोलिजन, कोलिजन को हम मिनिमाइज कर देते हैं। अगर कोलिजन को हम मिनिमाइज कर देंगे तो क्या उसके कारण प्रोड्यूस्ड हीट भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने का तरीका ये है कि सीआरजीओ प्रोसेस यूज करो। और एडी करंट लॉस कम करने का तरीका क्या है कि थिन शीट प्रोवाइड करो और उस कप का लेमिनेशन कर दो। और क्या सिलिकन स्टील यूज करो, और क्या यूज करो, सिलिकन स्टील, इसको हम क्या बोलेंगे, सिलिकन स्टील, सिलिकन स्टील यूज कर लो। ठीक है, समझ में आया यहां तक। चलो अगर ये सब चीजें समझ में आई तो अब बीएच कर्व पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगा। अब हम पढ़ते हैं बीएच कर्व के बारे में। इफ यू रियली लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।